मेरा नाम आर्य कुमार, मेरा सब्जेक्ट मिड डे मील का अध्ययन और कोविड अवधि के दौरान बच्चों को इसके मार्च 2020 से पहले हमारे देश में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में भोजन की व्यवस्था थी, किंतु 27 मार्च 2020 के बाद लॉकडाउन लगने के कारण हमारे देश में जो भोजन की व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई। हमारे परियोजना का उद्देश्य है कि जो बच्चों को फायदा था उनको अभी नहीं है। बच्चों से ये भी पूछेंगे क्या आप पहले स्कूल में पौष्टिक आहार भोजन करते थे? हम दो तरह का भोजन बनाएंगे, पहला दूध है। हम उन बच्चों को शामिल करेंगे जो पौष्टिक आहार भोजन खाते थे, हम दूसरा दूध उस बच्चों को डालेंगे जो पौष्टिक आहार भोजन नहीं करते थे। हम उस बच्चों से पूछेंगे जो पौष्टिक आहार नहीं करते थे, उस बच्चों से यह पूछेंगे डॉक्टर नहीं करते क्या आपको घर में पौष्टिक आहार भोजन मिलता है, क्या आपको पौष्टिक आहार अच्छा नहीं लगता है। और हमारा दूसरा कार्य एक हमारी किसी वाली चाची थी जो हमें अलग अलग ही पौष्टिक आहार भोजन देती थी। लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद हो गए, गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार भोजन नहीं मिलता था और सब घर पे ही भोजन करते थे। अभी हमारा गायब है, अभी इसे हम बता ले सकते हैं कि जिस दिन अंडा और फल मिलता था तो इतने बच्चे थे, और जिस दिन सोयाबीन चावल मिलता था तो इतने बच्चे थे, और जिस दिन खिचड़ी मिलता था तो इतने बच्चे थे, और जिस दिन दाल भात मिलता था तो इतने बच्चे थे, और जिस दिन खिचड़ी चोखा और फल मिलता था तो इतने बच्चे थे। और यदि ऐसा है पर इसमें हम पसंद बताएंगे जो कितना पसंद खींचा, जिस दिन छीना चावल मिला था तो उस दिन 13% थे, जिस दिन खिचड़ी मिला था उस दिन 21% आए थे, जिस दिन सोयाबीन चावल मिला था उस दिन 16%, जिस दिन दाल चावल सब्जी मिला था उस दिन 15%, और जिस दिन अंडा सब्जी चावल अंडा मिला था उस दिन 40%। और इसमें हम बताएंगे 6 साल का उम्र का बच्चा इतना खाता है, और 8 साल का इतना, और 10 और 12 साल का इतना खाता है, और 14 साल का बच्चा इतना खाता है, और 16 साल का बच्चा इतना खाता है, और 18 साल का बच्चा इतना खाता है। इसमें हम ये बताएंगे क्या 10 और 12 साल का बच्चा सबसे ज्यादा खाता है। और हमारे बगल में गाँव है, वहाँ पे जाके कुछ ग्रामीणों से हम सब सवाल किए थे, तो हम सब सवाल के ग्रामीणों ने अलग अलग से बहुत सारे प्रश्न के आंसर दिए। हम किसी से पूछे जो आपके बच्चे पहले पौष्टिक आहार भोजन करते थे, तो ग्रामीणों ने अलग अलग बहुत सारे जवाब दिए। किसी ने कहा हाँ करते थे पर अभी लॉकडाउन के कारण नहीं करते हैं। और हम सब ने यह पूछे क्या आपके बच्चे अभी घर पे पौष्टिक आहार खाते हैं, तो ग्रामीणों ने कहा नहीं अभी नहीं करते क्योंकि अभी लॉकडाउन है, इसलिए पौष्टिक आहार नहीं मिला था। पहले तो स्कूल खुल लिया थी तो बच्चे पौष्टिक आहार भोजन करके आते थे। धन्यवाद। ने लिखा है आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है मिड डे मील का अध्ययन और कोविड अवधि के दौरान बच्चों को इसकी उपलब्धता, यही लिखे है ना आपके प्रोजेक्ट का यही टाइटल है। तो आपके प्रोजेक्ट के टाइटल का पहला जो पार्ट है मिड डे मील का अध्ययन, तो आप हमको ये बताइए कि मिड डे मील का जो अध्ययन आपने किया तो मिड डे मील की क्या खासियत है, आप 3 बात हमको बताइए। हाँ सुनो, किसी चीज का अध्ययन करेंगे हम तो उसका मेरिट डिमेरिट उसकी प्रासंगिकता, ये 3 चीज होता है ना, उसमें क्या गुण है उसका क्या दो उसमें क्या दोष है, अब वह जो है वह समय के अनुकूल है कि नहीं है, यही प्रासंगिकता उसको बोलते हैं, उसकी वह प्रासंगिक है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं, ये 3 चीज आता है। तो आप हमको मिड डे मील का 2 ही इसकी क्या खासियत है खूबी है सो हमको बताइए। हाँ इसका पहला खासियत हाँ हाँ बच्चे सब भोजन, अच्छा इसके बाद
मैंने मिड डे मील का पहला ये है कि बच्चों को सिर्फ आहार देना ही नहीं है, दिन का भोजन देना ही नहीं है, मैंने बच्चों को पौष्टिक आहार देना, इसीलिए अंडा भी है, कभी सोयाबीन भी है, कभी खिचड़ी भी है, है ना, फल भी है ना, ये सब तो बच्चों को पौष्टिक आहार देना। दूसरा खासियत बताइए। हाँ, बच्चे लोग घर में पौष्टिक आहार, गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार घर पे नहीं मिलते थे, और स्कूल जब खुले हुए थे तो सब बच्चे पौष्टिक आहार भोजन करके जाते थे। पहला तो ये हुआ ना कि बच्चों को पौष्टिक आहार देना, अब घर में उसको क्या मिलता है नहीं मिलता है ये तो उसके घर की बात है। सरकार जो ये योजना चला रही है तो सरकार का एक ये उद्देश्य है कि हम बच्चों को पौष्टिक आहार देंगे, तो इसके माध्यम से वो दे रही है सरकार। दूसरा कोई कारण आप बताइए कि और दूसरा क्या कारण है। आपके स्कूल में तो मिड डे मील चलता है, तो आपके स्कूल में तो वहाँ बोर्ड पर लिखा गया होगा कि मिड डे मील क्यों चलता है, मिड डे मील क्यों आवश्यक है, ये तो लिखा गया होगा। 8-10 पॉइंट जो है सो लिखा देखते हैं हम। दूसरा कोई बताएंगे इसमें? हाँ बताइए। हाँ उसको सर मन नहीं लगता है सर, उसको अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है, एक ही खाना खा लेते हैं, इसी वजह से हर सप्ते मतलब हर सब मतलब दिन अलग अलग भोजन देते हैं, जिससे बच्चे को खाने में मतलब प्रतिभा जाएगी और अच्छा खाना। ये तो व्यक्तिगत